हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो कल भाई बहुत एडवेंचरस रहा एंड मैं रात को यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सो रखी थी। तो इन लोगों का ये किचन है एंड यहाँ पे एक रूम था, तो गद्दा भाई इन्होंने दे दिया था एंड चटाई है ये मेरी और स्लीपिंग बैग मेरे पास था बैग में। तो अफ्रीका के जब मैं गाँव में जाती हूँ तो मैं पूरा टेंट लेके नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं यहाँ पे होस्ट मिल जाएंगे। अफ्रीका की हॉस्पिटैलिटी बहुत मस्त है जनाब। तो बस मैं एक कंबल सा उठा के ले आई थी। और यार मैंने पैर में फिर से चोट लगवा दी है, ये सूख नहीं रही, 4-5 दिन हो गए, बट देखो क्या बनता है। एनीवेज यार, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। आज हम कोशिश करेंगे कि अंगोला की ट्रेडिशनल ट्राइब मुकुबाल से मिलें एंड उनका थोड़ा बहुत कल्चर समझें जितना हमसे हो पाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और आई होप आप लोगों को मज़ा आए। मुझे तो अंगोला घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, एक अलग फ़न है भाई अंगोला का, बहुत मस्त ट्रेडिशन कल्चर सब कुछ बहुत अच्छा है भाई यहाँ पे एंड नेचर भी बहुत सुंदर। बाकी लुआंडा कैसा रहेगा वो बाद में पता चलेगा, बट एनीवेज ओवरऑल जहाँ पे मैं अभी हूँ वो बहुत सही जगह है एंड गांव का नाम है भाई कुरोका। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आखिरी तक जरूर देखिएगा। इनके पास यार यहाँ की लोकल सिटी है, कान में रखी हुई थी इन्होंने, अनुसूचित सिटी बताया। तो भाई यार अभी हम गांव की तरफ चल रहे हैं एंड 5 या 10 किलोमीटर दूर है गांव भाई यहाँ से, बहुत तेज हो रखी है। पूरा भाई रेगिस्तान का इलाका है, आप लोग देख सकते हैं इधर। चलिए भाई मैं यहाँ पे गांव में पहुँच रखी हूँ, पूरा गांव इधर आ रखा है एक्चुअली। तो सीन फिलहाल ये है एंड एक चीज़ मैंने देखी यार यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी यार इधर भाई, इन द मिडल ऑफ नोवेयर रेगिस्तान के इलाके में डिश लग रखी है भाई, और टीवी भी अंदर, लेकिन टीवी ख़राब हो रखा है, बट है इनके पास। कुछ टाइम पहले वो टीवी वर्क करता था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी इस जगह भाई के टीवी रहेगा, क्योंकि नेटवर्क तो है नहीं, बट पता नहीं क्या सिस्टम है इनका यहाँ पे, बट मैं बहुत शौक में हूँ यार। तो स्वागत करते हैं यार आप लोग का मुकुबाल गांव में, कबीला टाइप की जगह। आई थिंक ये लोग नोमैड हैं, मूव भी करते रहते होंगे, बट पहले मैं इनसे थोड़ी बहुत बात करूँ फिर वीडियो बनाती हूँ। तो भाई यार ये गाँव है मुकुबाल ट्राइब, मैं थोड़ी देर में आपको लोगों से भी मिलवाती हूँ। ये लोग अभी थोड़ा एक्साइटेड है बाहर से कोई आया देख के, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पे बहुत कम है। बट यहाँ पे देखिए आप, ये लोग घर ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी रेगिस्तान से घास मिलती है ये सब, और कुछ लकड़ वगैरह भी यूज़ करते हैं। ये रेत में शायद गाय का गोबर मिला होगा। तो ये भाई कमरा है इनका, बेडरूम है। ओके, वेरी कूल इनसाइड, नाइस। तो भाई जो ट्रेडिशनल घर होते हैं ना, वो इतनी गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। किचन, ओके, दिस साइड इज किचन। या ओ या मामा इज कुकिंग, हेलो, कुकिंग व्हाट? It is makoka. What is makoka? It is sweet potato. Okay, okay. Somebody take this. Got it, yeah. Yes. Makoka. Yes. It is, it is bean. Beans. Yes. Okay. Beans. Okay. Where do they buy beans? What? Where do they buy? Bring. Here. Culture. Cultivate. Yes. Farming. Yes. Okay, beans farming. Yes. Okay. How is that? She can cultivate. Okay. Both. She's so beautiful. 50 older. Yeah. She will take it. She will just it. Just the golden, yes. Copper one. Yes. Okay. It goes. Okay. Yes. It's but coming here. Okay, but the young kids they put the grass ones, yes, also. Okay, yes. Nice. तो भाई मुकुबाल का ट्रेडिशनल ड्रेस आप लोग देख सकते हैं, yes, ये लोग ये नेचुरली बना के बैंगल्स पैरों के लिए, yes, पहनते हैं। या शी विल टेक आउट, या विल बी विद दिस, ओके, दिस, या
Dizzy, we come here. Okay, yeah. When she grow up, it will cover up. Yes. Okay. She will put the okay. Oh yeah, the head yeah. One. Yes. Name. Yes. Name. Yontete. Yontete. Okay. Nice boy. बेटी बहुत सुंदर है एक्चुअली शिमंबुली शिमंबुली यस ओके तो भाई इनके में भी ट्रेडिशन है ऐसे धागा पहनने का बट पूरा धागा नहीं है धागा के ऊपर मोती लगा रखी है इन्होंने बट नाइस ओके ये लेकिन भाई जो लड़कियां मतलब प्यूबर्टी में आ जाती हैं वो लोग उम्फोता पहनती हैं सर के ऊपर आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाएंगे नाइस Her father is die. Yeah. You must putting it. Umfota. Yes. Yeah. It is two. Two type. Yeah. Yes, two type. If father is dead. Yeah. Her father isn't die. Yeah. There is this because her father is die. Ah okay. तो भाई ये जो सर पे पहना हुआ है अगर ये राउंड हो तो मतलब फादर की डेथ हो गई है अगर वो स्क्वायर में हो मतलब कि फादर इज अलाइव. Father is die. Because it is round. Yes. Okay, nice. And why this one mud on the neck? Yes. It is called chitete. Chitete. Yes. लेकिन भाई इनके गांव में ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी है ये वाला जो घर है ये ट्रेडिशनल घर है आई थिंक और इसके अंदर नहीं जा सकते ये मैं मेरे को जितना समझ आ रहा है अपनी मतलब अपने जितना मैं गांव में गई हुई हूँ उस हिसाब से जैसे हमारे उड़ीसा में भी क्या होता है एक चौराहे पे ना पत्थर स्थापित रखते हैं जो विलेज बनाने से पहले एक नींव बनती है तो आई थिंक ये वही चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये ट्राइबलिज्म में एंड इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है तो इन्होंने बोला है इसके पास मत जाना तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल चीज़ ट्राइबल कल्चर में यही होती है पूरा गांव बनने से पहले एक मेन पत्थर या नींव रखी जाती है जिसकी ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझे लग रहा है ये वही है नाइस ये पूरे गांव का भाई ये मेन हाउस है तो वेरी नाइस तो भाई यार अफ्रीका के हर गांव की तरह यहां पे भी दूध इसमें रखा जाता है लेकिन अभी कोई दूध नहीं है इसमें एंड इसमें शायद कलेक्ट करते हैं तो ये भाई दूध के बर्तन है यहाँ पे भाई यार मैं यहाँ पे इनके कपड़े पहन रही हूँ ट्रेडिशनली यार मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के रखी हुई हूँ और टी शर्ट भी नहीं पहनी और यहाँ पे भाई रिएक्शन बड़े जबरदस्त थे भाई यार ये गांव था एंड अब हम लोग वापस जा रहे हैं कुरोका की तरफ उसके बाद नमी भी जाना है क्या Stopia, yeah. No problem. Se demora vai vir o autocarro, vai ligar. Tem bus. Okay, no problem. Yeah. Thank you. Right. Yeah. Okay, see you next year. See you. तो भाई चलिए मेन रोड की तरफ चलते हैं अब हम तो यार अंदर बैठे घूमते हैं भाई अंगोला में पेट्रोल सिर्फ 22-23 रुपए का है और डीजल शायद 22 रुपए का बहुत सस्ता है जनाब जितना मर्जी तेल डलवा के घूमो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पे तो यहाँ पे भाई लोकल दुकान है कुरकोवा गांव में बेसिक चीज़ों की साबुन पेट्रोल वगैरह तो बाइक या नमीबे या बाइक ने भाई मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और हिचहाइक कर रही हूँ यार मैं देखो रुकती है ये गाड़ी के नहीं बाप रे ये मेरी दूसरी हिचहाइकिंग होगी अंगोला में जनाब
तो गांव भाई इस तरफ था कुरोका गांव। नहीं रुकी भाई, रुक जा, नहीं रुकी यार ये वाली, दूसरी ट्राई करते हैं। हाँ बहुत भूख लग रही है भाई। एक बच्चा भी आ गया था ये मुकुबाल गांव से, तो ये भी नमी भी जा रहा है। ये लोग कभी कभार जॉब के लिए सामान बेचने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं टाउन तक, तो बड़े देर बाद यार 15 मिनट बाद ये छोटे से ट्रक ने भाई रोका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एंड चलिए यार नमी भी चलते हैं, अब लिफ्ट मिली हमें फाइनली। अंगोला के रेगिस्तान में हिचहाइकिंग हो रही है जनाब, गजब। लोग कहते हैं अनसेफ है, लेकिन नहीं, मज़ा आ रहा है, सेफ है भाई। अभी तक तो सेफ है, लुआंडा जाके देखते हैं क्या बनता है सीन।